डबल चार्ट नैनो शुगर बिनीस जीवीटी पीजीवीटी इन सभी टाइल्स का नाम सुना होगा। आज बात करेंगे अपन नैनो टाइल्स के बारे में, ओनली नैनो के बारे में। क्या खासियत है, कहाँ लगती है, थिकनेस क्या रहती है, रेट क्या मिलती है, कहाँ लगाना चाहिए, स्क्रैच प्रूफ है या विदाउट स्क्रैच, इसके बारे में बात करें। नमस्कार, मैं हेमराज बेनारिया, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। वीडियो मेरे ऑडियंस 98% देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 3% करते हैं, 2% करते हैं। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो आप तक पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा लेकिन लेट पहुंचेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी ज़रूर करो। वीडियो में अगर आपको कोई कुछ कमी दिखती है या फिर वो जानकारी आपको नहीं मिलती है तो आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे जाके मुझे फॉलो करके वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं वो जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा। तो आज बात तो नैनो टाइल्स की करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नैनो टाइल्स की डिज़ाइन बता देता हूँ कि नैनो टाइल्स में डिज़ाइन किस प्रकार से आती है, जिसे आपके सामने 2x2 की टाइल्स है देख सकते हैं नैनो। इसमें अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन आती है। नैनो टाइल्स की जो खासियत आती है वो बताता हूँ मैं आपको। नैनो टाइल्स पहली जो खासियत आती है वो आइवरी बेच में बनती है। इसमें प्लेन आइवरी आता है और इस प्रकार के शेड उसमें आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का जो फिगरेटिव है, जैसे ये फिगर है, आप इस प्रकार का फिगर ये देख सकते हैं, आड़े खड़े रेशे, इस प्रकार का 10 से 5 प्रकार की डिज़ाइन आती है उसमें। तो आप नैनो में इस प्रकार की डिज़ाइन आप ले सकते हो। ग्लोसी रहती है टाइल्स। और स्क्रैच की बात करें तो लोहे की अगर कोई वस्तु ऊपर अपन, जैसे लोहे की वस्तु अपन रगड़ी ऊपर या फिर लोहे की वस्तु ऊपर रही तो इसके ऊपर स्क्रैच आ सकते हैं। बाकी स्क्रैच आने की चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन लोखंडी वस्तु अगर आप कुछ इधर उधर, जैसे अपन देखते हैं बेड, लोहे का जो बेड आता है उसको अपन खींचेंगे उधर, तो उसमें स्क्रैच आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। थिकनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं थिकनेस में 9 से 9.5 mm की ये थिकनेस रहती है और ये एक ही परत से बनी आती है, इसीलिए इसको नैनो टाइल्स कहते हैं। इसके ऊपर डबल परत नहीं आती है, ये नैनो में सिंगल में आती है, लेकिन बॉडी ये विट्रीफाइड ही आएगी। देख सकते हैं पीछे से जो बॉडी का जो भाग है वो वाइट में ही आएगा। टाइल्स लगाते कैसे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये एरो देख सकते हैं आप, किसी भी प्रकार के टाइल्स में इस प्रकार का एरो आता है। तो आप ये एरो देख के टाइल्स लगाएं। जैसे भी जमाने के साथ टाइल्स में डिजाइन में कुछ बहुत से अपडेट आए हैं, जैसे पहले आपने देखा होगा रंगोली बनती थी, फिगरेटिव बनते थे, आज भी बनते हैं, लेकिन ज़माने के साथ मशीनरी ज़्यादा आने से जो डिज़ाइन थी वो रैंडम फिगर में आने लगी है। तो फिगर मिलते नहीं हैं, रैंडम में बनती हैं, फ्लोरिंग जो लगती है वो रैंडम बनती है। कहीं कहीं गाँव शहरों को छोड़ के गाँव में जहाँ पता नहीं वहाँ समस्या आती है कि सर मुझे यहाँ पर मेरे फिगर क्यों नहीं बनाते। इसका प्रमुख कारण है कि वहाँ पर रैंडम फिगर आने लगे हैं मशीनरी के कारण, इसलिए वहाँ पे फिगर किसी टाइल में मिलते हैं तो किसी टाइल्स में नहीं भी मिलते हैं। आप इस तौर का विशेष तौर से ध्यान रखें। और डिजाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की डिजाइन, एक डिजाइन आप ये देख सकते हैं इस प्रकार। कलर मैंने आपको वैसे पहले भी बताया कि इस आईवेरी बीच में ही आपको नैनो में कलर मिलेंगे, इसमें वाइट शेड में कलर आपको नहीं मिलेगा, ओनली आईवेरी। इसमें प्लेन आईवेरी भी मिलता है। अब ये रेगुलर मैंने आपको पिछले वीडियो में अगर कुछ बताया होगा डबल चार्ट जीवीटी और नैनो में डिफरेंट बताया था डबल चार्ट, उसमें बताया होगा कि ये टाइल्स जैसे मैंने बहुत पुराने समय में देखा, वहाँ पे बैंकों में ज़्यादा जो गवर्नमेंट कार्य होते वहाँ प्लेन आईवेरी ज़्यादा चलती थी, लेकिन समय के साथ अपडेट हुआ तो डबल चार्ट लगने लगी, फुल बॉडी लगने लगी, लेकिन कुछ साल पहले ये टाइल्स वहाँ लगती थी। आप घर मकान में लगाओ, अगर आपका बजट कम है तो इस टाइल को लगा सकते हो, आपको समस्या नहीं, लेकिन थोड़ी इसको सावधानी से यूज़ करने की ज़रूरत है, स्क्रैच आते हैं इसमें। तो कलर देख सकते हैं ये, इसमें 4-5 प्रकार की डिज़ाइन आती है, ये भी देख सकते हैं आप नैनो में इस प्रकार की डिज़ाइन। कलर जैसा मैंने बताया आपको लाइट डार्क हो सकता है, लेकिन आएगा आईवेरी बेच में ही। और थिकनेस मैंने आपको वैसे पहले भी बताई है, 9 से 9.5 mm की थिकनेस रहती है। और रेट की बात करें तो मात्र 26 से 27 रुपये की रेंज में आपको ये आसानी से मार्केट में उपलब्ध मिलेगा। ये जो रेट मैं बता रहा हूँ ये मैं राजस्थान उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से, चित्तौड़गढ़ और राजस्थान के जो बीच मध्य में उदयपुर मंगलवार चौराहा है वहाँ की रेट बता रहा हूँ, मेरी शॉप की रेट बता रहा हूँ। हो सकता है आप जहाँ जिस स्टेट में रह रहे हो वहाँ रेट इसकी 5 रुपये या 3 रुपये रेट ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा और भाड़ा लेबर जो चार्ज रहती है वो महंगा पड़ता है, तो वहाँ पर वो हो सकता है कि वो रेट वहाँ पर आपको महंगी मिले। इस तरह का विशेष तौर से आप ध्यान रखें, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग इसके
रेट रहती है, यानी कि जो प्राइस रहती है वो अलग अलग स्क्वायर फीट पे रहती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पहले बताया 2600-2700 रुपये की रेंज में मेरी शॉप पे यहाँ मैं बिकता हूँ। हो सकता है कि आप जाओ वहाँ 5 रुपये 2 रुपये सस्ते मिला। आप इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। वीडियो अच्छा होगा तो लाइक करें, आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि फेसबुक पेज पर मैं अच्छे अच्छे पिक के डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मैं अच्छे अच्छे पिक डालता हूँ, कभी स्टोरी डालता हूँ तो वहाँ आप देख सकते हैं। कुछ जानकारी चाहिए तो वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप पुनः मैं आपसे अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।